Hey, what's up guys? खुशी पटेल here. Welcome to Spicy Foodie. आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल स्वीट. घर की चीज़ों से ही बढ़िया मिठाई बनाएंगे. हलवाई की दुकानों में महंगी महंगी मिठाई मिलती है, वैसे हम खूबसूरत सी मिठाई घर पे बनाएंगे. एकदम ही इजी तरीके से और फटाफट से बन जाती है. ये मिठाई एकदम ही कम खर्च में ही बढ़िया बन जाती है, तो सभी लोग बना सकते हैं. तो चलो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं. यहाँ मैंने 2 कप पीनट लिए हैं. एक ही कप से सभी चीज़ों का नाप लेंगे. मैंने गरम पानी करने के लिए रख दिया था, पीनट उसमें डाल देंगे. गरम पानी में ज़्यादा नहीं रखना है, रेड पानी हो जाए तुरंत ही निकाल देंगे और थोड़ा सूखने के लिए रखेंगे. ये ऐसा क्यों करना है वो मैं आगे बताती हूँ. थोड़ा सूख जाए बाद में रोस्ट करेंगे. पानी में भिगाने से क्या होता है, पीनट के छिलके नरम हो जाती है और आसानी से फटाफट से छिलके निकल जाते हैं. पीनट रोस्ट हो जाए बाद में ठंडा करने के लिए रखेंगे. ये देखो एकदम ही आसानी से छिलके निकल रहे हैं. इस तरह रगड़ के सारे छिलके निकाल लेंगे. और इस तरह छलनी में छान लेंगे. देखो हमारे क्रिस्पी पीनट रेडी है. पीनट आप रेडीमेड मिलते हैं वो भी ले सकते हैं. अब इसे मिक्सचर में उल्टा घुमाना है. रुक रुक कर मिक्सी चलाएं ताकि ऑयल ना निकल जाए. अब ये पाउडर को छलनी में छान लेंगे. ये देखो हमारा पीनट का पाउडर रेडी हो गया. इस तरह से फाइन पाउडर बनाएंगे. अब उसमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे और मिक्स कर लेते हैं. अब चाशनी बनाएंगे. 3/4 कप शुगर लेंगे और 1/4 कप पानी डालेंगे और 1 तार की चाशनी बनाएंगे. पीनट पाउडर डाल देंगे और मिक्स करके पकाएंगे. एक चम्मच घी डालेंगे और जब तक गाढ़ा हो जाए उतना पकाएंगे. देखो इस तरह की कंसिस्टेंसी रखेंगे. अब प्लास्टिक बैग में घी से ग्रीस करेंगे. ये पीनट बैटर को थोड़ा ठंडा करके ही डालें और इस तरह से मसलना है जब तक डो जैसा बन जाए तब तक. हमारा डो रेडी है. अब इसके ऊपर प्लास्टिक रख के बेल लेंगे. इसके ऊपर पिस्ते डाल के बेल लेंगे. आप सिल्वर और गोल्डन वर्क भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं. अब इस तरह से नाप के काट लेंगे. तो है ना बढ़िया मिठाई. काजू कटली जैसी ही पीनट कटली बनके रेडी है. अब पीनट कटली के साइड के अनइवन टुकड़े बचे हैं, उसकी दूसरी मिठाई बनाएंगे. यहाँ मैं ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ. अच्छे से मिक्स करेंगे. यहाँ मैं हैप्पी हैप्पी बिस्किट का 1 पैकेट ले रही हूँ. बिस्किट को मिक्सचर में पीस के पाउडर रेडी करेंगे. अब इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे
और 2 टेबलस्पून अखरोट का भूका डालेंगे और मिक्स करेंगे। इसमें हम बहुत ही सावधानी से दूध डाल के डो जैसा बनाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे ऐसे शेप देंगे। अब ग्रीन कलर के डो को इस तरह बेल के 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरह से अंदर का फिलिंग रखेंगे और जॉइंट करेंगे। ऊपर से इस तरह दबा के फ्लावर जैसा शेप बनाएंगे। मेरे पास ऐसी कलरफुल ममरी है, उससे डिप करेंगे। आप ड्राई फ्रूट में भी डिप कर सकते हैं। मैंने इस तरह से बॉक्स में सारी मिठाई रख दी है। अभी और थोड़ी पीनट कतली बची है, उसे रेड कलर दे देंगे। और इस तरह का स्ट्रॉबेरी जैसा शेप बनाएंगे। अभी ग्रीन कलर है, उसको पूरी जैसा शेप बना के पैन के ढक्कन से छोटे छोटे राउंड बनाएंगे ताकि एक जैसे ही पत्ते बने। इस तरह ऊपर से और एक साइड से इस तरह दबाएंगे। बन गया ना पत्ता का शेप। अब चाका से नसे इस तरह बनाएंगे, है ना एकदम ही इजी शेप। मिठाई के ऊपर पत्ता लगाएंगे। और फोक से इस तरह डॉट बनाएंगे। बन गया ना स्ट्रॉबेरी जैसा शेप। देखो, लग रही है ना मार्केट की महंगी वाली मिठाई। आपको जैसा शेप पसंद है उस तरह से बना सकते हैं। हमारा रक्षाबंधन का स्वीट बॉक्स बनके रेडी है। मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। बाय बाय, सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।